Good morning, dear students. Today we are going to study part third of our lesson Julius Caesar. हमने कल study किया था कि किस तरह वो जो एक party थी Brutus और Cassius की सरबराही में उन्होंने एक साजिश तैयार की थी केसर के खिलाफ. तो आज उससे हम आगे पढ़ेंगे. तो केसर ट्राइड टू कम्फर्ट हिज वाइफ बट एट लास्ट शी वॉज सक्सेसफुल इन परसुएडिंग हिम टू स्टे एट होम. केसियस हैड सस्पेक्टेड दैट दिस माइट हैपन एंड ही सेंट डेसियस टू कॉल call for Caesar and bring him to the capital. When Decius heard about Calpurnia's dream, he laughed at her fears. You have interpreted the dream all wrong. The blood from Caesar's statue, in which so many smiling Romans dipped their hands, means that the great Rome will suck fresh blood from Caesar. He turned persuasively to Caesar. It means that your people will find new prosperity under your rule. You have explained it well, said Caesar. अब केसर ने क्या किया? जब उसने अपनी बीवी का ख्वाब सुना तो उसने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो उसे घर में रोकने पर कामयाब हो गई. कैसियस जो था उसे शक था कि ऐसा ना हो, इसलिए उसने डेसियस को भेजा केसर को कैपिटल में बुलाने के लिए. और जब डेसियस ने कल्पुर्निया के ख्वाब के बारे में सुना तो उसने उस पर हंसते हुए कहा कि तुमने अपने ख्वाब का गलत मतलब निकाला है. केसर की जो मूर्ति है उसमें तुमने ये समझ लिया है कि रोमन्स उस खून में अपने हाथ रंगेंगे. उसका मतलब ये नहीं है कि वो केसर का खून चूसेंगे, बल्कि उसने केसर की तरफ मुड़ते हुए कहा, बल्कि इसका मतलब ये है कि लोग तुम्हारी हुकूमत में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करेंगे. तो केसर ने कहा कि तुमने इस ख्वाब को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है. Decius went on to say, I have heard that the people have decided to give this day a crown to Caesar. If you send them word that you cannot come, their minds may change. Besides, they may make fun of you and say, must we wait until Caesar's wife has better dreams? If Caesar hides himself, will they not whisper, see, Caesar is afraid? Caesar turned to his wife and said, how foolish do your fears seem now, Calpurnia? I am ashamed that I gave way to them. Wrapping his cloak about him, he went out with Decius to the capital. अब डेसियस ने ये कहना जारी किया कि मैंने सुना है कि आज लोगों ने फैसला किया है कि वो केसर को ताज पहनाएंगे. अब अगर तुम वहां नहीं गए या उन तक ये पैगाम पहुंचा कि तुम नहीं आ रहे हो, तो उनके माइंड जो है वो बदल जाएंगे, उनके जहन बदल जाएंगे और वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि जब तक केसर की बीवी को अच्छे ख्वाब नहीं आते हम इंतजार करें. अगर केसर अपने आप को छुपा देता है तो वो सरगोशियां करेंगे, आपस में बातें करेंगे कि केसर जो है वो डर गया है. अब इसकी बात सुनकर केसर जो है उसको थोड़ा गुस्सा आया. वो अपनी बीवी की तरफ मुड़ा और कहा, तुमने ऐसा बेवकूफी
वाली बात कैसे सोच ली, तुमने ये कैसे अपने जहन में कैसे गम पाल लिया है कैलिफोर्निया। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हारे इस बातों को सुना। और उसने अपनी जो चादर है ऊपर लपेटते हुए वो वहां से डेसियस के साथ कैपिटल की तरफ निकल पड़ा। केसर डिड नॉट नो दैट हिज एनिमीज वेयर ऑल अराउंड हिम एट द कैपिटल। वन आफ्टर अनदर दे मेड सम एक्सक्यूज टू कम अप टू स्पीक टू हिम अंटिल दे ऑल स्टूड बिसाइड हिम। देन कास्का ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड ड्रो हिज वेपन डीप इन टू केसर्स बैक। द अदर्स क्विकली फॉलोड एंड लास्ट ऑफ ऑल केम ब्रूटस। When Caesar saw that even his dearest friend was against him, he cried out in despair, "You too, Brutus, then fall, Caesar," and the fell dying on the ground. अब कैसे केसर को मालूम नहीं था कि उसके दुश्मन उसके साथ क्या खेल खेलने जा रहे हैं। तो जैसे ही वो कैपिटल में पहुंचा, एक एक करके वो सभी किसी न किसी बहाने से उसके करीब आ गए, और इतने करीब आ गए कि कास्का ने अपनी तलवार निकाली और उससे केसर की पीठ में घोंप दिया, और दूसरों ने भी उसको यही किया, यानी दूसरों ने भी उसको फॉलो किया और उन्होंने भी अपने हथियारों से उसे कत्ल करना शुरू किया। और आखिर पर जब ब्रूटस आया तो कैसर ने ब्रूटस को देखते हुए कहा, क्योंकि उसका वो बहुत ही प्यारा दोस्त था, जब देखा कि उसका प्यारा दोस्त भी उसके खिलाफ है तो वो दुख से चिल्लाया कि तुम भी ब्रूटस। फिर कैसर जो है वो नीचे गिर गया और वो जमीन पर गिरकर मर गया। ये आज का हमारी क्लास थी। अब इससे आगे हम कल स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल ऑफ टुडे।